नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ए है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। मायावती ने लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन का ऐलान किया। गोवा में सीमेंट फैक्ट्री का बॉयलर फटा, 9 लोग घायल। बंगाल में तेजाब हमले में 2 बीटीओ संघ महिला घायल। तेल कंपनियों ने तीसरे दिन बढ़ाए पेट्रोल और डीजल के दाम। हिमाचल में भूकंप के हल्के झटके। अमेरिका में अब तक की सबसे ज्यादा समय की कामबंदी। बुंदेलखंड में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ महिलाएं आगे आई। फारूक अब्दुल्ला ने किया सत्य और संधि आयोग का वादा। पलनीस्वामी के मुताबिक वीडियो में लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे। कश्मीर में बर्फबारी से सड़क और हवाई यातायात प्रभावित। जेटली ने कहा कि विपक्ष का झूठ नहीं, हमारा काम तय करेगा चुनावी एजेंडा। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने 3 राज्यों में शिकस्त खाई, लेकिन हम हारे नहीं है। पेरिस बेकरी में गैस रिसाव से विस्फोट, 4 लोगों की मौत। तेजस्वी ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया तय। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ न करा पाने से पाकिस्तान परेशान।